अपने बड़बोलेपन और विवादित बयानों के लिए चर्चित पाकिस्तान के रेलवे मंत्री शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर से भारत के साथ परमाणु जंग का राग छेड़ दिया है। भारत के साथ तनाव को लेकर रशीद ने सीधे सीधे दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपना हथियार तैयार रखा है और अगर भारत हमला करता है तो पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, सीधे परमाणु हमला होगा जिसमें असम तक को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि रशीद ने ऐसा बयान दिया है। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान वैश्विक राजनीतिक के समीकरणों पर बात करते हुए रशीद ने कहा है कि आज चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा है, जबकि अपने नए दोस्तों नेपाल, श्रीलंका, ईरान और रूस के साथ नया ब्लॉक बना रहा है। रशीद ने कहा है कि ऐसे में पाकिस्तान को चीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके आगे रशीद ने कहा है कि अगर पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की गुंजाइश नहीं होगी, यह खूनी और आखिरी जंग ही होगी और एटमी जंग होगी। हमारा हथियार कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पर है, असम तक टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशन जंग की गुंजाइश कम है। इससे कुछ हफ्ते पहले उन्होंने भारत को धमकी देते हुए यह तक कहा था कि पाकिस्तान के पास 125 ग्राम और 250 ग्राम के परमाणु बम भी हैं, जो किसी खास टारगेट पर मार कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत सुन ले कि पाकिस्तान के पास पाव और आधा पाव के एटम बम भी हैं, जो किसी खास इलाके को निशाना बना सकते हैं। इस बयान के लिए सोशल मीडिया पर उनकी खिल्ली भी उड़ी थी। इससे पहले पिछले हफ्ते भी राशिद ने कहा था कि मैं 126 दिन धरने में शामिल था, उस वक्त मुल्क के हालात और सरहदी मामले ऐसे नहीं थे। यह सीरियस थ्रेट है इस मुल्क को और ये जंग खौफनाक हो सकती है। ये कन्वेंशनल आर्म नहीं होगी। जो अकल के अंधे ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन टैंक चलेंगे, तोपे चलेंगी या हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी अ एटॉमिक वॉर, दिस विल बी अ क्लियर कट एटॉमिक वॉर, और जिस तरह की जरूरत होगी उस तरह का असला भी इस्तेमाल करेंगे। तो रशीद अपने ऊट पटांग और विवादित बयानों के लिए चर्चे में रहते हैं। पिछले साल भारत में उनका काफी मजाक तब बनाया गया था जब एक जलसे के दौरान बोलते हुए उनको माइक से बिजली का करंट लग गया था। दरअसल इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे थे। इसके बाद उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया कि उन्हें करंट लगने के पीछे भी भारत का ही हाथ है। तो पीपल्स, अब आपका क्या कहना है इन सब के बारे में? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ।